दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। से आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है। इस मौके पर औरंगाबाद में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ फार्मासिस्टों को सम्मानित किया गया बल्कि इस मौके पर आयोजित सेमिनार में फार्मासिस्टों की महत्ता से भी लोगों को अवगत कराया गया। पिछड़े जिले में औरंगाबाद का नाम शुमार है, लेकिन आज जो सेमिनार हुआ है उससे औरंगाबाद लोगों के लिए एक नए फील्ड के बारे में, नए फील्ड के बारे में लोगों को जानकारी मिली है जो पहले हम इससे अछूते थे। अभी डॉक्टर साहब ने किया फार्माकोविजिलेंस, इसको हम गुजारिश करेंगे यहाँ के मैनेजमेंट से कि अपने बच्चों को लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी हो उससे अवगत कराने। धीरे धीरे आज से 10 साल पहले यहाँ फार्मेसी खोलने वाले सर थे, आपकी लोगों के सहयोग में यहाँ फार्मेसी खुला और आज फार्मेसी इस स्थिति में पहुँचा है कि दो दो इंस्टीट्यूशन हो गए। आगे चल करके हमारे बच्चे यहाँ से बहुत अच्छा करेंगे। हम लोग नक्सल से ऊपर उठ करके फिर मिलिट्री और कलर के अपग्रेड से ऊपर उठ करके हम लोग रिसर्च फील्ड में, औरंगाबाद का फेज चेंज हो रहा है, यह शहर बदल रहा है। जो हमारा औरंगाबाद फील्ड है, औरंगाबाद फील्ड बहुत ही रिमोट एरिया में ऐसा माना जाता है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि एक हर तरह का हब है, लेकिन ये एजुकेशनल हब नहीं बन पा रहा है। इसको हम चाहते हैं कि आने वाले समय में एजुकेशनल हब बना दिया जाए, तथा बिहार में जो पलायनवाद की स्थिति खासकर एजुकेशन में जो 1999 से चल रहा है उसको रोका जाए। फार्मासिस्ट डे का आयोजन किया गया, तो हम चाहते हैं कि लोग इससे अवेयरनेस फैले, लोग इसके बारे में जानें और लोग दवाइयों को लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि जब भी कोई दवा लेता है वो सोचता है कि ये तो बस दवा है जो डॉक्टर साहब लिख दिए हैं और इसको लेना है, लेकिन किस टाइम पे लेना है, कब लेना है। जैसे अगर ये बोली जाए कि आप दवा सुबह में ही लें तो निश्चित तौर पे वो सुबह में ही लें। अब जैसे आप अगर कोई भी एंटासिड्स लेते हैं या आप ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल लेते हैं, वो अगर खाने के बाद लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। कुछ लोगों में ऐसी बीमारी होती है कि वो कभी, जब उसको मोशन सिकनेस बोलते हैं, जिसमें वो कभी ट्रैवल करते हैं या कुछ भी, तो वो वोमिटिंग की आदतें हो जाती हैं, लोग वोमिट करने लगते हैं। उस समय डॉक्टर दवा ज़रूर देता है कि इनको दिया जाए, एंटीमेटिक दिया जाता है, लेकिन अब उस दवा को अगर एक बार वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उसको जब उसके पहले लेते हैं ज़रूर वो कारगर सिद्ध हो जाती है। इस तरह से हम चाहते हैं कि ये काम जो बताने का है ये लगातार फार्मासिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि वो दवाओं को बनाता है, दवाओं का मैन्युफैक्चर करता है, इसलिए वो हर चीज़ों से, दैट्स मीन्स वो दवाओं के साथ खेलता भी है। दवाएं ये नहीं है कि दवा का मतलब सिर्फ फ़ायदा, दवा एक तरह से, हम होर्डिंग भी पहले लगा चुके थे औरंगाबाद में कि दवा जो होती है वो दोधारी तलवार होती है, वो पर्टिकुलर केमिकल जिसको आप लेते हैं और लेने के बाद वो एक अपना उल्टा प्रभाव भी दिखा सकता है। पिछले दिनों एससीएसटी के खिलाफ शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर
पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में औरंगाबाद के रफीगंज में आज स्वर्ण समाज सड़कों पर उतर आए और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी का पुतला भी फूंका। विरोध जता रहे लोगों ने बताया कि पटना में हुए लाठीचार्ज की हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण जातिगत तौर पर नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर मिलना चाहिए। जिंदाबाद, 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 जो पटना में लाठी चार्ज हुआ आशुतोष कुमार के जो निहत्थे पर बार किया पुलिस खदेड़ खदेड़ के पिटा, इसके उपलक्ष्य में नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी का पुतला दहन हम लोग किए। हम लोग विरोध दर्ज किए और हम लोग जो भी सवर्ण समाज है, सवर्ण समाज के बैनर के तले हम लोग इसका विरोध करते हैं, इसका घोर निंदा करते हैं। स्वर्ण समाज में भी गरीब आदमी है, उनको भी आरक्षण दो। SC ST का जिस तरीके से आशुतोष जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से पटना में विरोध किया जा रहा था और बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, स्वर्ण को लोग इस्तेमाल करते हैं और हम लोग स्वर्ण जाग चुके हैं, कतई भी हम लोग बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। SC ST जो काला कानून है, हम स्वर्णों का क्या कसूर है? हम स्वर्ण घर पैदा लिए हैं, यही हम लोग का कसूर है। औरंगाबाद में हुई दो अलग अलग घटनाओं में दो मासूमों की डूबकर मौत हो गई है। पहली घटना देव थाना क्षेत्र के वकीलगंज की है, जहां 9 वर्षीय मनजीत की नदी में डूब जाने से मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना हसपुरा थाना क्षेत्र के तिलौती गांव में 6 वर्षीय आयुष की मौत उनको नदी में डूबकर हो गई है। लोग तो सोचे कि पढ़ने गया है, पर वो गांव में स्कूल है, वही स्कूल में पढ़ने गया तो के 4 बजे छुट्टी मिला था, वही लाइकन के साथ है चल गया सत नदिया बोलता वही नदी। हमने के पता नहीं लगा कि वो लड़का घर है कि न घर है, कि हम जा 5, 6, 7, 10 लेकिन किस टाइम में चल गया वो पड़ी थी वही उधर ही दो गो लेकिन सब लेकिन भागे, दो गो लेकिन बाचे वहां जाके हालत किया कैसे को लेकर तू कैसे चल के निकाल, तू उन्हें ट्रैक्टर बालू लाता था जाके के तू ही जाके हाला किया, तो एक बाद में वही आये से निकाला। ये घर से सर में निकल गया थे नदी किनारे, नदी किनारे गांव है वही गया से। अब कैसे कहूँ, बस वहाँ कोई नहीं थे, वो बच्चा कपड़ा निकाल के आधार पर देगा तो वही आने कहा कैसे छोटू या डूब गए, छोटू डूब गए। अब पहले से खुदा रहा था गांव घर में, बाद में तो फिर वही सफर गांव के लोग गए, फिर गोताखोर और सब लोग के गए, तो वही खंड की मदद से फिर खोज के निकाला गया। विनोद ट्यूटोरियल, हमारे यहाँ सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, नामांकन जारी है। हमारे यहाँ दिव्यांगों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अवश्य संपर्क करें विनोद ट्यूटोरियल, अनुग्रह मिडिल स्कूल के नजदीक औरंगाबाद। औरंगाबाद में NH2 का 6 लेनिंग कार्य करा रही कंपनी सोमा आइसोलेक्स के कर्मी आज से अचानक हड़ताल पर चले गए। कंपनी के बेस कैंप में विरोधी प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना था कि कंपनी ने पिछले 5 महीने से उनका वेतन नहीं दिया है, जिस वजह से उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जब कोई वेतन की मांग करता है तो कंपनी उसे टका सा जवाब दे देती है। हम लोग इस कंपनी में बहुत दिन से कार्यरत हैं, लेकिन आज बीते 5 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। हम लोग का परिवार किस तरीके से रहेगा ये इन लोग कुछ भी नहीं सोचता। हम लोग अपने पेमेंट के लिए आज बंद किए हुए हैं, हड़ताल किए हुए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है हमारा पेमेंट। जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे।
है सर? हम लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा है, 5 महीना हो गया अभी तक पेमेंट नहीं मिल रही है। और खाने में जो है प्लास्टिक के खाने में दिया जाता है और आती है डेहरी से, ठीक है। खाना की भी कोई लिमिट नहीं है और ड्यूटी जो है 14-15 घंटा ली जाती है और संडे को भी ड्यूटी लिया जाता है, 300 दिन ड्यूटी है। और छुट्टी लिया जाता है तो अभी नहीं किया जाता है, कोई पर्व त्यौहार में छुट्टी भी नहीं मिलती है हम लोग को, ठीक है। और जो कोई बोलता है कि भाई पेमेंट हम लोग को चाहिए, इसीलिए कहता है कि करना है तो करो ना तो जाओ। बताइए सर, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? पेमेंट अभी नहीं मिलता है तो हम लोग बाल बच्चा कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे? पढ़ने वाले आदमी है जो कहाँ से देंगे, बताइए। इसका कोई निर्णय होना चाहिए, हम लोग का वही मांग है। 5-6 महीना से सर पेमेंट नहीं मिल पाया है, हम लोग का परिवार कैसे चलेगा? 5 महीना से पेमेंट नहीं दिया है और खाना भी देता है तो इतना घटिया किस्म का खाना आता है कि आधा खाता है आधा फेंकाता है सब खाना। किसी का 5 महीना का पेमेंट बाकी, किसी का 6 महीना पेमेंट बाकी है। और हम लोग का PF करता है हर एक महीने, वो शो नहीं करता है। 10 महीना से हम काम कर रहा हूँ वहाँ पे, ना पे PF शो कर रहा है ना कट रहा है। और हमारा सैलरी से काट लिया जाता है मगर वो जमा नहीं किया जाता है PF का। बस हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग का जितना पेमेंट हो हम लोग का पेमेंट क्लियर कर दे। इसके बाद और दूसरी बात है, यहाँ पे जो भी पेमेंट के लिए बोलता है उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है। औरंगाबाद के रफीगंज में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर अध्यक्ष संतोष गुप्ता की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के जिला महामंत्री अशोक सिंह के अलावे पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर चर्चा की, वहीं उनके सिद्धांतों को भी अपने जीवन में अमल करने का संकल्प लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म उत्सव समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया और हम सबों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से सीख लिए और पार्टी को सबसे निचले स्तर पर कार्यकर्ता जो हैं उनको ऊपर उठाने का कार्य करने का प्रयास करेंगे। अपने समाज के जो सबसे निम्न पादान पर रहने वाले लोग हैं उनको किस तरह से हम अपने समकक्ष, जो उच्च पादान पर रहने वाले लोग हैं उनके समकक्ष लाने का प्रयास एकात्म मानववाद में इन्होंने दिया है। उस पर हम लोग के बीच में चर्चा भी हुई तथा हमारा भारत महान है और उन्हीं के एकात्म मानववाद के आधार पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपना दर्शन रखा और उनका कार्यकाल भी एकात्म मानववाद पर चला। बिहार में 18 से 25 आयु वर्ग के मतदाताओं का प्रतिशत 16 है। यही वजह है कि जदयू ने अब अपना सारा ध्यान ऐसे ही नए उम्र के मतदाताओं पर केंद्रित कर लिया है और उनके बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिशें शुरू भी कर दी हैं। इसी कोशिश के तहत जदयू के विधान पार्षद तथा छात्र जदयू के बिहार प्रभारी रणवीर नंदन औरंगाबाद पहुँचे, जहाँ उन्होंने छात्रों तथा युवाओं से बातचीत की और छात्र हित में चलाई जा रही सरकार की योजनाओं की चर्चा की। 18 से 25 वर्ष के जो वोटर हैं बिहार में वो 16% है और बहुत बड़ी संख्या है वैसे छात्र वोटरों की। उनके बीच जनता दल यूनाइटेड के नीतियों को ले जाना, सरकार के नीतियों को ले जाना, इन सारे कार्यों को व्यापक रूप से देते हुए फिर कैंपस में कल होकर जो स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव है उसमें छात्र जनता दल की भूमिका और साथ ही साथ सोशल एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, डिबेटिंग एक्टिविटीज़, ओवरऑल जितनी भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है जो एक छात्र के लिए ज़रूरी है उस पर छात्र जनता दल यूनाइटेड चिंतन कर रहा है और उसी के निमित्त ये बहुत बड़ा कार्यक्रम पटना में लिया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।